जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे और परिवार का ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसके पहले परिवार का फर्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रेक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं सुमित जैन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का वीडियो। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने 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 परिवार बनाते हैं। ठीक है, एक मनुष्य परिवार में सभी लोग होते हैं, एक मनुष्य के परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, किसी किसी परिवार में गोद लिए हुए बच्चे भी हो सकते हैं, परिवार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार, इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं, यह परिवार छोटा होता है, एकल परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार, इस तरह के परिवार में दादा दादी चाचा बुआ ताऊ ताई माँ बाप और बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी मामा मामी मौसी माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त परिवार है। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, एक किसी परिवार को जो है एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारिवारिक वृक्ष। ठीक है, या किसी परिवार को किस रूप में दर्शाया जा सकता है तो पारिवारिक वृक्ष के रूप में। ठीक है, पारिवारिक वृक्ष देखें यहाँ पर तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार। यहाँ पर हम देखें एकल परिवार में माँ बाप है, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा, ये क्या है, एकल परिवार है इस प्रकार से। और संयुक्त परिवार ताऊ ताई बच्चे माँ बाप बच्चे चाचा चाची बच्चे बुआ है ना नानी नाना ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएंगे सारे के सारे। ठीक है, परिवार बदलते समय अर्थात परिवार के सदस्यों की संख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब संख्या कम हो जाती है, जब परिवार में कोई सदस्य आ जाता है या फिर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तब संख्या बढ़ जाती है। एक परिवार के सदस्यों के बहुत से गुण है, वो गुण हैं एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे नाक कान रंग बाल आवाज हंसी छींक उंगलियां हाव भाव आदि, ये गुण बच्चों में उनके माँ बाप से आते हैं। ठीक है, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता। आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है आनुवांशिकता के जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं तो आंखों आंखों के द्वारा ज्यादा प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेना, और या फिर माता पिता के द्वारा बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, तो आनुवांशिकता कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, आनुवांशिकता। देखें, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेगोर जान मेंडल जिनका जन्म 1882 में हुआ था, ये आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आनुवांशिकता के जनक कौन माने जाते हैं, तो माने जाते हैं कौन, मेंडल साहब, जॉन मेंडल। इनका ये कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रिया के थे, जन्म हुआ था 1822 में। ठीक है, और कहा जाता है कि इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। ठीक है, यह पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। इन्होंने मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधे में कई सारे अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का जो प्रयोग किया वो किस पर किया, तो मटर पर किया, और मटर पर ही क्यों किया, क्योंकि मटर के पौधे में कई सारे अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, परिवार में रक्त समूह, देखो मनुष्य में चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ठीक है, ए वी ए बी और ओ रक्त समूह। माँ बाप के रक्त समूह के आधार पर हम पता लग सकते हैं कि होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। निम्न तालिका में माँ बाप का रक्त समूह, उनके होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा और उस रक्त समूह के होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। यहाँ पर देखो कि अगर एक माँ का ओ जो है रक्त समूह है और बाप का भी ओ है तो 100% आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओ बच्चे का ओ ही होगा। आपसे सीधा क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि अगर एक माँ का जो है ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होने की कितनी संभावना है, 100% संभावना है। कितनी है, 100%। ठीक है, एक माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और बच्चे का बाप पिताजी का ए है तो बच्चे का ओ होने की संभावना कितनी है, 50% ओ होने की और 50% ए होने की। ठीक है,
एक माँ का ओ है और पिताजी का बी है, तो बच्चे का ओ होने की 50% और बी होने की 50%, 50-50% होगी, ठीक है। और एक माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ए बी है, तो यहां पर भी ए 50% और बी 50% होने की जो है यहां पर संभावना होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक माँ का ब्लड ग्रुप ओ ए है और पिताजी का भी ए है, तब ए होने की प्रायिकता कितनी होगी, संभावना कितनी होगी, ब्लड ग्रुप बच्चे की ए होने की होगी 66% और ओ होने की होगी 33%, ठीक है। इनको याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिताजी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बालक बच्चे की ब्लड ग्रुप ओ होने की 25% संभावना होगी, बी होने की भी 25% होगी, ए बी की 25% होगी और ओ होने की भी 25% होगी, तो 25-25% होगी इसमें से, ठीक है। और एक माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिताजी का ए बी है, तो बच्चे का ए होने की 33% संभावना, बी होने की 33% और ए बी होने की भी 33% होगी, ठीक है। अगर एक माँ का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का भी बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होने की 66% जो है संभावना होगी और ओ होने की 33% होगी, ठीक है। अगर एक माँ का ब्लड ग्रुप बी है और एक पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, तो उसके बच्चे की ए होने की जो संभावना है वो 33%, बी होने की भी 33 और ए बी होने की भी 33 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक परिवार के घर के नियम अलग अलग होते हैं, कुछ परिवार दूसरे परिवार के लोगों को अपने से नीचा मानते हैं, कुछ परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के यहाँ पानी तक नहीं पीते, यही ऊंच नीच की भावना होती है। और यही जो ऊंच नीच की भावना है संविधान की अस्पष्टता से संबंधित अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है और इसको समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। कुछ परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं, जो छूट लड़कों को मिलती है वह लड़कियों को नहीं मिलती, यही क्या है, लैंगिक विभेद है। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कियों में जो है लड़कों के कुछ नियम अलग होते हैं, लड़कियों के कुछ नियम अलग होते हैं, यह दर्शाता है, तो यह किसको दर्शाता है, लैंगिक विभेदीकरण को, ठीक है। ऊंच नीच की भावना और लैंगिक विभेद किसी भी समाज को सफल नहीं बनाते, अगर समाज को विकसित करना है तो भावनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैंगिक विभेदीकरण के बारे में देखें, अब हम परिवार के कार्य के बारे में देखेंगे। परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो परिवार, बच्चा सबसे पहले परिवार में ही सीखना प्रारंभ करता है, यहीं से बच्चे के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का समाजीकरण का जो पाठ है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो परिवार से ही शुरू होता है। परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है, यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चा विकास करेगा, ठीक है। परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं, परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं, परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। और भारत में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम वर्ष है 18 वर्ष। तो यहाँ पर कुछ परिवार के हमने महत्वपूर्ण फैक्टरों के बारे में देखे, इसके पहले का वीडियो भी आपको देखना है, उसमें भी हमने महत्वपूर्ण चीजें बताई। अब हम दोस्तों करने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस, जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं परिवार से संबंधित, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि कितने प्रकार के परिवार होते हैं, आपको बताना है 1, 2, 3 या फिर 4। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखेंगे सभी लोग, कमेंट में बताना है अगर आपसे बन रहा है तो आपका कितने प्रकार के परिवार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ माँ बाप बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार, बी नंबर, ठीक है। किसी परिवार को दर्शाया जाता है तो किससे दर्शाया जाता है, पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक पाई चार्ट से, पारिवारिक बार चार्ट से या किसी से भी, तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है। तो किसी परिवार को दर्शाया जाता है दोस्तों, पारिवारिक वृक्ष से, ए नंबर। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ग्रेगोर जान मेंडल को या फिर अरस्तु को, तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों जान मेंडल, ठीक है। जान मेंडल को कहा जाता है, ये ऑस्ट्रिया के थे, है ना, और इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, मटर पर, ठीक है। अगर माँ का रक्त समूह ओ है और बाप का भी रक्त समूह ओ है,
तो बच्चे का रक्त समूह होने की क्या संभावना होगी, कितने प्रतिशत जो है इसकी संभावना होगी, बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। सॉरी, यहीं से यही पूछा गया है कि माँ का भी ओ है और बच्चे का भी, पिताजी का भी ओ है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 5 का हमने रक्त समूह ऊपर पढ़े हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ओ। हमने पढ़ा है कि अगर एक माँ का रक्त समूह ओ है और पिता का रक्त समूह ओ है तो 100% संभावना है कि बच्चे का भी क्या होगा, रक्त समूह ओ ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ग्रोगर जान मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो सीधा सा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। और प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा काय पर, मटर पर, ठीक है, सी नंबर। अगला है दोस्तों, अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का बी है तो बच्चे के रक्त समूह ए बी होने की संभावना कितने प्रतिशत है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है, ए बी होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी, तो वो होगी दोस्तों 25%। 25 यानी कि जो बी नंबर है वो 25% सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं, माँ बाप के बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। प्रश्न क्रमांक 8, तो यहाँ पर सत्य बताना है, सत्य क्या है, तो आपने पहले ही विकल्प पढ़ लिया कि माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता, यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर सही होगा। ग्रोगर जान मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है हमें कि इन्होंने मटर पर क्यों किया था, क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है, क्योंकि यह एक पौधा है, क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है, तो ग्रोगर जान मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं, और सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है, लड़कों और लड़कियों के अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हमें बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों लैंगिक विभेद करना, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत सारी पुस्तकों का जो निचोड़ है दोस्तों वो हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं, परिवार के आपके लगभग 2 या 3 वीडियो आएंगे जिसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, और परिवार में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। परिवार का एक और आपका वीडियो आएगा, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला, फिर ये वीडियो हो गया, फिर एक वीडियो और परिवार का आएगा, ठीक है। तो ये 3 वीडियो जिसने भी परिवार के देख लिए, 3 का समूह होगा और ये वीडियो देख लिए, तो उसका परिवार नामक जो एक टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, फेसबुक से भी जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है, इंस्टाग्राम में भी जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।